Good morning, everyone. Continuing with our next topic, types of consumers according to buying behavior. Buying behavior के according हम consumers को classify कैसे करते हैं? पहला है habit determined group. ये वो class of buyers होते हैं जो habitually buy करते हैं किसी product को, किसी specific brand को, क्योंकि उस product को यूज करने के बाद वो उससे फुली सेटिस्फाइड होते हैं. अब जैसे अगर हम नॉर्मल बोलते हैं कि अगर आप कोई टूथपेस्ट लेने जाते हो तो आपके जब आप शॉप पे पहुंचे तो आपके मुंह पे उसका नाम ऑलरेडी होता है कि नहीं मुझे यही वाला टूथपेस्ट लेना है. आप किसी और टूथपेस्ट के ऊपर शिफ्ट नहीं करते हो तो आप उस चीज के लिए हैबिचुअल हो चुके हो, तो उसे हम कहते हैं हैबिट डिटरमाइंड ग्रुप. देन नेक्स्ट है कॉग्निटिव ग्रुप. ये वो क्लास ऑफ बायर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय कॉन्शियस क्लेम्स, और जो उनका बिहेवियर होगा बाइंग का वो बेस्ड होगा उन्हीं क्लेम्स पर. फॉर एग्जांपल, जो कुछ बायर्स होते हैं वो प्राइस कॉग्निटिव होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कि प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट को उन्हें खरीदना है. देन नेक्स्ट इज इमोशनल सेक्टर ग्रुप. ये वो क्लास ऑफ बायर्स होते हैं जो इफेक्टेड होते हैं इमेज और फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के उससे. देन नेक्स्ट इज न्यू ग्रुप. ये वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिकली डिसीजन नहीं बनाया है कि वो क्या जो है प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन सा ब्रांड या कौन सा स्पेसिफिक वैरायटी वो खरीदेंगे. देन नेक्स्ट इज इम्पल्सिव ग्रुप. ये वो क्लास ऑफ बायर्स होते हैं जो बाय करते हैं प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एट्रीब्यूट. ब्रांड का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई चीज अच्छी लगी तो उसे खरीद लेते हैं. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. क्यों इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना? जैसा कि आप अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी कर चुके हैं कि जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है. कस्टमर ओरिएंटेड है मतलब आपको जो भी अपना मार्केटिंग मिक्स बनाना है, चाहे वो प्रोडक्शन पॉलिसीज से रिलेटेड है, प्राइस पॉलिसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं, सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है, या जो भी आपके मार्केटिंग मिक्स में फैक्टर्स आते हैं, उन सबको अगर आप कंज्यूमर के नज़रिए से बनाएंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट आप फॉलो कर रहे हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो है आपका मेन मोटिव है, तो कंज्यूमर को स्टडी करना और भी ज़रूरी हो जाता है. आप कंज्यूमर को स्टडी करेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कंज्यूमर की नीड्स, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे, कंज्यूमर जैसी चाहता है जो उसका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फीचर्स डालेंगे प्रोडक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी रखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे जो है कस्टमर के पास पहुंचे, और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, कैसे कंज्यूमर को और जो प्रोडक्ट की इमेज है उसे आपने एक यूनिक दोनों को जो क्वालिटी है दोनों की यूनिकनेस उनको आपने कंबाइन करके कस्टमर को शो करना है. तो जो कंज्यूमर है वो फोकस होता है मार्केटिंग एफर्ट्स का. तो नंबर ऑफ रीजंस हैं कि क्यों आप स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का और क्यों ये जरूरी है फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो कुछ हम देख लेते हैं पॉइंट्स. सबसे पहले तो एक पॉइंट जिसे हमने अभी बोला कि मार्केटिंग मिक्स के जितने भी डिसीजन हैं उन सबको ये इफेक्ट करता है, तो उन्हीं को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में लिख रहे हैं कि किस किस डिसीजन के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है. पहला है डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन पॉलिसी. प्रोडक्शन पॉलिसीज डिटरमाइन करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर ज़रूरी है. कंज्यूमर बिहेवियर से आपको पता चलेगा कि क्यों जो एक कंज्यूमर है या कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं वो उसे प्रॉम्प्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो परचेज करे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग उसी तरीके से करेंगे, टेस्ट, साइज, स्टाइल, फैशन, हैबिट, जिसकी वजह से जो बायर है वो अट्रैक्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों के जो एट्रीब्यूट्स है अपने प्रोडक्ट में डालेगा. तो जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को इन फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्शन
पॉलिसीज. देन नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द प्राइस पॉलिसीज. जो बायर्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के, वो परचेज करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कंपैरिजन में जो आपका प्रोडक्ट है वो लेस कॉस्टली है. तो ये भी रीजन है. तो उस प्राइस का, प्राइस जो है प्रोडक्ट का, आप रेस नहीं कर सकते अगर कंज्यूमर वही चीज प्राइस देखकर ही जो है प्रोडक्ट को बाय कर रहा है. हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो परचेज सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं ताकि जो प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस है पर्सन का उसे हाई दिखाया जा सके. तो उस केस में उस प्रोडक्ट के प्राइस को आप हाई रख सकते हैं. सिमिलरली जो प्राइसेस होते हैं प्रोडक्ट्स के जो आप इमोशनल मोटिव्स की वजह से खरीदते हैं उनके जो प्राइसेस हैं आप हाई रख सकते हैं. तो जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो हेल्प करता है मार्केटर को इन टेकिंग प्राइस डिसीजंस. देन नेक्स्ट इज मार्केट डिफरेंसेस. सेवरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं मॉडर्न मार्केटिंग मार्केट्स में. यूनिफॉर्म मार्केटिंग प्रोग्राम आप हर जगह पर हर मार्केट सेगमेंट में फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हर एक जो मार्केट है उसके सेपरेट बायर्स हैं, उनके सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी सेपरेट नेसेसिटीज हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है. तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो बाइंग मोटिव है, हर एक मार्केट में वो डिफरेंट है. तो एडिक्वेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप नहीं बना सकते बिना कंज्यूमर को स्टडी किए हुए. द नेक्स्ट इज योर डिटरमाइनिंग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो आप सेल कर रहे हैं या जिन्हें आप परचेज कस्टमर कर रहा है सोली ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस है क्योंकि उसका, तो चीप और इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन जिन आर्टिकल्स में, जिन प्रोडक्ट्स में आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए होती है जैसे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जनरेटर सेट, उनके लिए आपको डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ता है. तो जो डिसीजन है रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ही लिया जाता है. द नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी. स्टडी अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर की करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन कि जो जब कस्टमर बाय कर रहा है प्रोडक्ट को तो वो एक्चुअल में किसके पीछे जा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के पीछे जा रहा है या उसकी पैकेजिंग, गिफ्ट, डिस्काउंट देख रहा है. तो ये जो डिसीजंस हैं, ये जो सेल्स प्रमोशन स्कीम से रिलेटेड आप लेते हो या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आप लेते हो कि बायर को एडवर्टाइजमेंट अगर दिखानी है तो इसमें किस चीज के ऊपर जो है उसका आई कैच होना चाहिए कि डिस्काउंट है या इतना फ्री है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं अपनी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. द नेक्स्ट इज मीटिंग द कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, जिसे एक्यूट कॉम्पिटिशन है क्योंकि कस्टमर उतने ही हैं लेकिन मैन्युफैक्चरर जो मार्केटर हैं वो बहुत सारे हैं. तो उस सिचुएशन में एक जो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है लेस प्राइस पर, इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम में, तो ये स्ट्रैटेजी उसे फॉलो करनी है या नहीं करनी है वो डिपेंड करेगा बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स पर. क्योंकि कई बार अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम प्राइस पर बेचता है तो कंज्यूमर के माइंड में यह आता है कि शायद प्रोडक्ट चीप क्वालिटी का हो गया होगा या फिर एक्सपायर डेट का होगा. तो कॉम्पिटिशन को मीट आउट करने के लिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी ब्लाइंड फोल्डेडली यूज नहीं कर सकते. आपको कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या इमेज उसकी बनेगी आपके प्रोडक्ट के लिए, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है. देन नेक्स्ट इज रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. रैपिड इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट्स की हो रही है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, आपके हर महीने आपका एक अगर मोबाइल आता है नई टेक्नोलॉजी के साथ तो चार आपके कंपटीशन में विद हायर टेक्नोलॉजी देन योर्स खड़े हो जाते हैं. मोबाइल मार्केटर्स की ये मोबाइल ज्यादा अच्छा है. तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्टली चेंज हो रही है कि हर दिन आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है और उस प्रोडक्ट में नई नई इन्हांसमेंट्स मिल रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे आपके वो सिर्फ उससे बात आप कर सकते थे,
मैसेज भेज सकते थे, बस इतना होता था। लेकिन अब जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं। आप रेडियो आपको मिलेगा, FM मिलेगा, उसमें म्यूजिक के लिए मिलेगा, या आप चैटिंग कर सकते हैं, या आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो पहले 1 SIM मोबाइल आता था, फिर 2 SIM डुअल सिम हो गया, अब 3 SIM भी मोबाइल्स आपको मिलते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर जो है वो कितनी जल्दी जल्दी उस टेक्नोलॉजी से इफेक्ट होता है और वो चीज़ें डिमांड कर रहा है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना उसके लिए ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज योर अदर रीजंस। इसके अलावा और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों स्टडी ज़रूरी है कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर को हम सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही यूज़ नहीं करते, हम उसे यूज़ करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी को कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिसर्च जो है वो पॉइंट आउट करती है कि जो कंज्यूमर है वो क्यों डिसलाइक करता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को और क्यों प्रेफर करता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को। वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी स्पेशल नीड्स को, पर्सनालिटीज को, लाइफस्टाइल को। तो ये हाईलाइट करता है कि नीड है फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। देन कंज्यूमर बिहेवियर इज डायनामिक नेचर का है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है उसे स्टडी करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना जो एवर चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर है। मोर ओवर जो रोल है गवर्नमेंट का इन मार्केटिंग इन इंडिया, वो भी इस चीज़ को जो सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का वो बढ़ा देता है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है उनकी नीड, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम्स को आपको समझना पड़ेगा। जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है वाइल टेकिंग डिसीजंस अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज स्कोप और डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।